लेकिन सुनने में आया वो अभी नहीं है। इसलिए मैं डीसी साहब और आपके टीम से मैं रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन प्रमाण को आप जैसे पकड़ना जरूर है। थैंक यू मीडिया फ्रेंड्स, अरुणाचल न्यूज 24/7 कमिंग समाचार आपका मरियम से। मैं सबसे पहले ये आपको मैं बताना चाहूंगा कि टीसीएस तागिन कल्चरल सोसाइटी ओवरसीज कमेटी 5 मेंबर्स का डेलीगेट बना के हम सब यहाँ सेपा पहुंचा हूँ। कल रात को हम 5 मेंबर्स हैं। मैं हूँ टीम लीडर दोस्त दासी, जो कि सेक्रेटरी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट तागिन कल्चरल सोसाइटी, और मेरे राइट पे हैं तदक मुखी, जो कि प्रेसिडेंट और तागिन यूथ ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल यूनिट, जबकि मेरे लेफ्ट साइड में मिस्टर डमकेश माइन, प्रेसिडेंट फॉर तागिन यूथ ऑर्गेनाइजेशन एफएक्स, एंड द नेक्स्ट इज मिस्टर दादा काजरिंग, सेक्रेटरी आईपीएल फॉर तागिन यूथ ऑर्गेनाइजेशन, जबकि अरुणाचल फर्स्ट आईएवरेस्टर हमारा तागिन कम्युनिटी से जरूर बिलोंग करते हैं, लेकिन अभी वो सॉफ्ट का एसेट है। हमारा टैगिंग का सिर्फ एसेट नहीं, अपर शिवन सिर्फ एसेट नहीं, अरुणाचल के एसेट नहीं, जबकि इंडिया का सभी का एसेट है। ऐसा एक दूर घटना कवर एक आया कि तपी महाराज जी और उनके साथ मिस्टर निको दाव साहब ने गायब हो गया, मिसिंग हुआ बोल के खबर मिला। इस खबर को दुख जरा तो ही हम सब यहाँ पहुँचे हैं। कल यहाँ पहुँच के यहाँ का डीसी सर अभिषेक सर से हम लोग काफ़ी मीटिंग बैठा, लगभग 1 आवर का मीटिंग बैठा। इस 1 आवर का मीटिंग में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का तरह से हम लोग मीटिंग बैठा, तो हम लोग सबसे पहले पेमा खंडू सर को बहुत बहुत थैंक्स देता हूँ, हमारे एंटीर तागिन कम्युनिटी की ओर से और तागिन कल्चर सोसाइटी की तरफ से मैं बहुत बहुत तहे दिल से थैंक्स देता हूँ कि आपका गवर्नमेंट इतना स्ट्रॉन्ग हम लोग को ये साथ दिया, तभी मेरा का सर्च ऑपरेशन के लिए स्ट्रॉन्ग आपने बहुत साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपको थैंक्स देता हूँ तागिन कल्चर सोसाइटी की तरफ से और एंटीयर तागिन कम्युनिटी की तरफ से और एंटीयर पीपल ऑफ अरुणाचल की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक्स देता हूँ। यहाँ कल हम लोग ब्रीफिंग में मीटिंग बैठा कि डीसी साहब ने यही बताया, फ्रेश ब्रीफिंग ऑन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन फॉर मिसिंग माउंटेनर से तापी मुरा एंड निकु दाव। फ्रेश ब्रीफिंग का माध्यम से आपको डीसी साहब को बहुत बहुत थैंक्स कहता हूँ और यहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बहुत थैंक कहता हूँ और यहाँ का एक्सको टीम को भी बहुत बहुत थैंक्स देता हूँ। यहाँ आके पहुँचे तो आप लोग बहुत कार्रवाई मोमेंट किया, बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ में डीसी साहब ने ऐसे 2 प्लान का स्ट्रेटेजी बनाया, जो कि फिलहाल बरसात चलते हुए एक बायपुट के लिए यहाँ में एक टीम भेजा हुआ है और उसका अलावा स्टैंड बाय के लिए तेजपुर में 4 चौपर रखा हुआ है। एज एन वेन जो वेदर जो क्लियर होगा, चौपर का जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा। इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स कहता हूँ डीसी साहब ने, आपने इतना अच्छा प्लान बनाया और अच्छा टीम बनाया कि 24/7 आपने काम कर रहा और आपके चैम्बर को आपने एक कंट्रोल रूम भी बनाया, बहुत अच्छा लगा। और डीसी साहब ने हम लोग का टीसीएस का जो 5 मेंबर कमिटी में से एक जो नोडल ऑफिसर बनाए बोला, तो हमको मेरा नाम को मांगा, मैंने मेरा नाम को रिकमेंड कर दिया और अपडेट करते रहे बोला, तो इस अपडेटेशन को मैं भी लेके हमारा सोसाइटी को लोगों को मैं बताते रहूँगा। पता चला कि यहाँ लगभग 150 यहाँ में मानो पारा मिलिट्री स्पोर्ट स्पेशल फोर्स या डाला गया है और उसके अलावा हमारे यहाँ में लोकल माउंटेनर 3 लगाया गया, तो यहाँ दिखा जाने से बहुत इक्विपमेंट का बहुत जरूर है, जो कि उस माउंटेन में बिना इक्विपमेंट से नहीं छोड़ पाएगा, वो भी ट्रेंड वाला अनट्रेंड वाला हमारा सिविल सोसाइटी बिल्कुल जा ही नहीं पाएगा, इसलिए ट्रेंड वाला उधर सिर्फ जा ही पड़ेगा। वो है स्पेशल फोर्स पारा मिलिट्री फोर्सेज, इसका 3 माउंटेनर है, वो सिर्फ जा पाएगा। तो इसमें दिखा गया है तो एक स्पेशल जो जरूरी है बजट का बोर्ड सबसे पहले फर्स्ट फैक्टर अभी आ रहा है, वो जो है तो फाइनेंशियल का जरूरी पड़ गया, इसलिए इस फाइनेंशियल में अगर सही सलामत में इस्तेमाल नहीं करेगा तो प्रोक्योरमेंट का आप उसको प्रोक्योर नहीं कर सकता इक्विपमेंट का, मतलब अगर
धूप जो सन जो अगर सनी होता भी है तो उसमें लैप्सस हो सकता है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ इक्विपमेंट। इसलिए मैं सरकार से स्टेट गवर्नमेंट से मेरा ये निवेदन है कि आप कैसे भी हालत एज एन होएन हाँ डिप्टी कमिश्नर इस कमेंट से कुछ मैंने प्रोक्योरमेंट का कुछ असिस्टेंट का मांगता है तो आप जल्दी से जल्द आप उसको रिलीज कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारा अपर सुबनसिरी कोर्ट का एक मिनिस्टर इंचार्ज है जबकि नाकम नालो शहर है और उसके साथ 3 MLA है और जो कि हम का MLA है या तो दुकुम सर थलिया का इंजीनियर तनिया चौकी दापोड़ी जो MLA है इसके बाद रोडे बुई सर उधमपुर जो MLA है आप दोनों चारों से हम स्पेशल या ऑनेस्ट रिक्वेस्ट है पानी सर कहीं से भल कर्सेस मौत दीजिए कि आप सरकार से संपर्क रहे और डीसी साहब हमारा जो इस काम इनका डीसी से संपर्क रहे कि कहीं यहाँ बजट का कारण कुछ सामान जो इक्विपमेंट उसे शॉर्ट ना हो क्यों एनी टाइम धूप हो जाएगा। डीसी साहब का कल प्रेस ब्रीफिंग के हिसाब से यहाँ देख रहे हैं लगभग 3 या 4 दिन का बाद एनी टाइम ये धूप मन सनी दे आ जाएगा। इसलिए अभी जो रेडी पोजिशन सबसे जरूरी है अभी जो चैलेंजेस है वो जो पैन चलेगा ताकि सामान को जो कंपोनेंट को प्रोक्योर करके तैयार करके जब चॉपर शुरू हो जाएगा और दून लेगा इसके बाद जो आदमी जो पहुंच लेगा अगर उसके बाद उसको सर्च ऑपरेशन शुरू कर लेगा तो उसी समय किसी सामान शॉर्टेज ना हो। अगर सामान शॉर्टेज इक्विपमेंट शॉर्टेज वो होता है ओनली बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। इसलिए मैं स्टेट गवर्नमेंट से क्राइस का पेमा कंड से मैं निवेदन हूँ और आप फाइनेंशियल क्राइसिस होने मौत दीजिएगा। डीसी साहब को जो भी कागज आता है तो फाइनेंशियल एड के लिए आप जैसे उसको मदद कर दीजिएगा। मैं तगिन कल्चरल सोसाइटी की तरफ से और इंटर तगिन कम्युनिटी की तरफ से आपसे निवेदन हूँ स्टेट गवर्नमेंट से निवेदन है। और मैं एक चीज बताना चाहूँगा आज सुबह हम एक रिचुअल परफॉर्म करके देखा उसका रिचुअल परफॉर्म के हिसाब से कहना है कि ये जिंदा है बोला और डापोरिजो से भी यही फैमिली वाला मेंबर से भी आज पूछताछ किया जबकि अल्बर्ट मारा है हमारा प्रिंसिपल जीएच सेकेंडरी स्कूल तलिया इनका तरफ से भी इंफॉर्मेशन मिला है कि हम लोग रिचुअल परफॉर्म के हिसाब से अभी भी जिंदा है। तो लेकिन हम में एक चीज निवेदन है हमारा डेप्यूटी कमिश्नर इस कमिंग इसको मैं एक मेरा एक रिक्वेस्ट है खास करके पी प्रवीमल अभिषेक यहाँ एक चीज हम लोग को अलर्ट होना जरूरी है कि फर्स्ट इन्फॉर्मर आप जिससे उसको पकड़ लीजिए कि उसे डिटेल लेना। अभी खबर जब आ रहा है कि फर्स्ट इन्फॉर्मर जिन्होंने 26 में जो उसका वाइफ ऑफ तापी मुरा को बताया था इसका टापू मुरिया को बताने इसके बारे में बताया था लेकिन सुनने में आया वो अभी नहीं है। लेकिन इसलिए मैं डीसी साहब और आपका टीम से मैं रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन प्रमाण को आप जैसे पकड़ना जरूर है ये आपसे निवेदन है क्योंकि फर्स्ट इंफॉर्मर को पकड़ के उसे तो डिटेल इंफॉर्मेशन आपको लेना होगा तो इसलिए फर्स्ट अभी इंफॉर्मर को सुनने अभी तक नहीं मिला नहीं पकड़ पा पर डिटेल थोड़ा इसमें थोड़ा सा लैप्सस आ रहा जैसे लग रहा है इसे कई लैप्सस ना और डिटेल्स का जैसे पर्स इनफॉर्मर को आप पकड़ना जरूरी है इसे पूछताछ करना जरूरी है। ये मेरा आपको स्पेशल रिक्वेस्ट है ऑनेस्टली थैंक यू सो मच।